हाँ जी ये अच्छा वैसे पहले इस आंसर दे देता हूँ इस आंसर के क्यों क्या कैसे बातें बात करें क्योंकि इसको जानने के लिए मैं क्या पढ़ना पड़ेगा तो बैठ सुन पढ़ लेता पहले एडिट डाले एडिट डाले बड़ी धूमधाम के साथ मैंने सुना ओके तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा व्हाट इज यास्टिक का स्टेटमेंट लिखाऊंगा क्या है थोड़ा सा बड़ा है लिखते रहना बाद में प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा सिस्टमेटिक एक्सप्लेन किया जाएगा पर आप सब जानते हो पहले से क्यों आप तो मतलब आप लोग वो जस्ट लाइक वो ना आप जानते सबको बट भूल जाते हो तो आपको याद दिलाना पड़ता है आपको जानते हो जानते हो वो हनुमान जी आपको मतलब पावर है सब आप खुद को फील नहीं कर पाते नेक्स्ट भाई खुद ये पावर नहीं उस समय सामने वाले से लेता था वाले पावर ले लेता था तो वो बात थी ना दूसरा तो गए ना मतलब ओके सो लिखिए स्टेटमेंट पहले बात स्टेटमेंट पहले बात इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन ठीक अब इसका स्टेटमेंट क्या बोले अकॉर्डिंग टू बेंट रूल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट More electronegative element, bracket में surrounding atom, prefer to attest. The hybrid metal of center atom, which has less percentage S character, More electronegative element prefer to attest with the hybrid metal of center atom, which has less percentage S character or which is far from nucleus, ये सेगमेंट आधा हुआ आधा बचा भी while lone pair of central atom prefer to stay in the hybrid orbital of central atom, which has more percentage S character. While lone pair of central atom prefer to stay in the hybrid orbital of central atom, which has more percentage S character, or which is closer to nucleus. क्लियर है आगे बढ़ते तो यहां पर ना स्टेटमेंट हो गया कुछ समझ में आया नहीं आया कुछ समझ में आया नहीं आया आया कुछ समझ में नहीं आया बस मतलब
देखो एक्सप्लेनेशन नंबर वन, आप है ना नेचर में देखना, कॉन्सेप्ट पे जाना, कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सिंपल है भाई। एक सेंटर एटम है वो अपना एस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन शेड कर रहा है, और बाहर से एक सराउंडिंग एटम आ रहा है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है, कोई जबरदस्त का सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, फ्लोरीन वो आया बाहर से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर। एक दूसरा सेंटर एटम है वो क्या कर रहा है, वो अपना एफ ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन शेड कर रहा है, और बाहर से सराउंडिंग एटम आया वो कौन है, फ्लोरीन, जो एक इलेक्ट्रॉन शेड कर रहा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, क्लोरीन का काम है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना चाहता है, ये काम इजीली कहां से हो जाएगा, सेकंड केस में इजी हो जाएगा, यहां से डिफिकल्ट होगा, पहला स्टेटमेंट खत्म, चेक करो पहला स्टेटमेंट खत्म। अरे पढ़ो ना भाई, more electronegative elements surrounding atom prefer to attach with the habitable atom of center atom which is far from nucleus or which has less percentage s greater, more percentage s greater, to wo kisne dega hi nahi electron, iska nucleus kisne dega hi nahi, mana kar dega bhai, acha mere electron nahi ja rahe hai, samajh rahe ho kya bol raha hu, likho isko wala ka explanation number 2। सही चीजें सिंपल है, बहुत आसान है, याद है ना, मेरे को सच बोलू मेरे को एस्पिरेटर पी ग्रेटर पसंद नहीं आता, मुझे पसंद से भी एक चीज आती है लेंथ या शेप ऑफ एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल, खत्म, और कुछ नहीं, बिकॉज ये आपको हर एक बारे में इंफॉर्मेशन देगा, लाइक सॉलिड एंगल ज्यादा किसने है या फिर किसकी लेंथ ज्यादा आने वाली है, कौन कहां पर आएगा, क्यों आएगा, सबका लॉजिक है ना, आपको स्ट्रक्चर के थ्रू मिल जाएगा, तो स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू एनीथिंग इन केमिकल बॉडी। आप लैंग्वेज याद कर लो या कॉन्सेप्ट याद कर लो, कॉन्सेप्ट समझ लो तो अलग अलग बात है। मुझे लैंग्वेज पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को आता नहीं है, लैंग्वेज आता नहीं, आता है बट मेरे को पसंद नहीं है। आगे बढ़े, जब आप वापिस रिविजन करोगे ना लैंग्वेज में पढ़ना, इसको देख लेना आपको मिल जाएगा। आगे बढ़े, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, दो बार बता चुका हूं, वापस देखो तीसरी बार, सेंट्रल एटम का एस ऑर्बिटल, सेंट्रल का एफ ऑर्बिटल। अब बाहर से या भाई लॉन्ग पे, लॉन्ग पे खुद के होते हैं भाई, लॉन्ग पे इसके इलेक्ट्रॉन खुद के होते हैं, तो सेंट्रल के लोन पे मतलब सेंट्रल के दो इलेक्ट्रॉन कहां ना पसंद करेंगे, क्लोजर टू न्यूक्लियस या फार फ्रॉम न्यूक्लियस, क्लोजर टू न्यूक्लियस ना पसंद करेंगे, ये बोल रहे हो, सेकंड स्टेटमेंट खत्म हो गया, चेक करो, खत्म हो गया, लोन पे कहां रहेगा, क्लोजर टू न्यूक्लियस, और क्लोजर टू न्यूक्लियस कौन है, एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, अरे हां है ना, एस ऑर्बिटल ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस अराउंड सेंट्रल एटम, तब जानते ही हो, मैं इसको यूज करूंगा, तो जो चीज आप एक बार जान लेते हो मैं इसको यूज कर सकता हूं। लॉन पे तो रेडियस पे ज्यादा चीज, कम चीज, ज्यादा चीज, लॉन पे बल्कि हो गए। ओके, सो ओवरऑल अब मैं इसको समराइज करना चाहता हूँ जो शायद पहले भी कर चुका हूँ। एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल बारे में कुछ कमेंट किया था मैंने, एस ऑर्बिटल उस पे ज्यादा चाहिए कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो उसकी लेंथ क्या होगी, ये सब लिखा चुका हूँ, पता लिखा चुका हूँ, ठीक, तो बस मेरे को सिर्फ लिख करने के बैंड खत्म हो, बैंड टू खत्म, शुरू करें, कुछ लिखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द proper structure of given species, is bhai maine proper structure nahi bola, proper structure of given species, is bhai maine structure proper sheet, proper means exact locations of
सराउंडेड एंड कॉन्टूर्स. सो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना ढंग से. एस एफ टू सी एल टू का मुझे स्ट्रक्चर चाहिए प्रॉपर सिस्टमेटिकली. ठीक है, पहले मैं ऐसे कर रहा हूँ सिंपल. सल्फर के पास पहले इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? क्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं? तो क्लोरीन कितने हैं? तो ये तो हुआ विदाउट तमीज, जिसे हम इको नाम से पहचानते हैं, बट मैं बोला नहीं चल रहा. तो कितना हुआ? सिग्मा वन चार लॉन्ग करिए, टोटल कितना हो गया? पांच. अब इसको प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे. ये प्रॉपर्ली अरेंज किया sp3 क्यों? अब इसमें मैं रखने जाऊंगा बॉन्ड एंड लॉन्ग पेयर्स. ये ऐसे पहले एक पॉइंट लिखना था, पर मैं नहीं लिखा, शायद आप समझदार हो तो चलो डायरेक्ट करता हूं या पहले समझा दो थोड़ा बहुत. चलो इसको बाद में लिखेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बस थोड़ा समझ लेते. टेंशन नंबर लेना, वापस आएंगे हम लोग उस पे. TPP क्या बोल रहा हूँ? ट्रायंगल, पेंटागन, बाइपिरामिड, सब जानते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन बहुत सिंपल से, इन ट्रायंगल और बाइपिरामिड ये क्या कहलाएंगे? इक्विटोरियल क्या कहेंगे? इन पेंटागन और बाइपिरामिड ये क्या कहलाएगा? बाकी सब क्या कहलाएंगे? No doubt. आगे बढ़ो. पूरा खेल करेक्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ फ्रॉम स्पेस. ज्यादा स्पेस कहां पर है? वहां पर क्या हुआ? ज्यादा तो बल्कि होगा, यहाँ पे थिनर होगा. बल्कि होगा तो वो शॉर्टर होगा या लॉकर होगा? उस पर यूज करने का. ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा स्पेस कहां होगा? यहाँ पे इन ट्रैगन पैक कर बैठे, ज्यादा स्पेस कहां विजिबल है? तो यदि मुझे ज्यादा यहाँ पे स्पेस विजिबल है तो मैं पूरा प्ले करूंगा, तो यहाँ पे स्पेस क्या हो? बल्कि होगा, बल्कि होगा तो शॉर्ट होगा. हाय मैम, अब बाजू में क्या हुआ? बचा बचा बाकी वाला, बचा बचा तो बाकी वाला. आप यहाँ पे कौन आएगा? स्पेस कम होगा, क्या होगा? कम होगा और बल्कि होगा, थिनर होगा, थिनर एंड नॉर्मल. तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, न्यूक्लियस से दूर कौन सा ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है? एक्सेल वाला, इक्विटोरियल वाला? तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कहां ना प्रेफर करेगा? यहां पे भी, यहां पे जब उसकी न्यूक्लियस से दूर हो वहां पे ना पसंद करेगा. मेरे को एक्सेल इक्विटोरियल पसंद नहीं है, रिपीट करो, मेरे को एक्सेल इक्विटोरियल पे पसंद नहीं है कि वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हमारे जहन में बैठ जाता है कि एक्सेल पे हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है. मेरे को पसंद नहीं है उस चीज़, मेरे को वो है जहां पर थिनर एंड लॉन्गर है वहां से आएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, मैं ये जानता हूं. तो जी यहां पर कौन आएगा? जी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा इतने, यहां पे स्पेस कम है, बल्कि बल्कि शॉर्टर है, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ सकता है, जब कौन आएगा? लॉन्ग पेयर ऑफ सैंड्रोडम, जिसे से पास करना पसंद करेंगे. क्या पे? लॉन्ग पेयर ऑफ सैंड्रोडम आना पसंद करेंगे. बात करते हैं यहाँ पे, बात करते हैं यहाँ पे, जब स्पेस कहाँ पर है? इक्विटोरियल में एंगल कितना है? 70 डिग्री. ये एंगल कितना है? तो जब स्पेस कहाँ विजिबल है? अब मेरे को यहाँ पे ज्यादा स्पेस विजिबल है, स्पेस ज्यादा तो बल्कि होगा, हाँ परसेंटेज बेटर ज्यादा होगा, बल्कि होगा तो शॉर्टर होगा. इसका मतलब यहाँ पे कौन पसंद करेगा? ये न्यूक्लियस से पास अलग है, ये न्यूक्लियस से पास अलग है, तो कौन आएगा? लॉन्ग पेयर. बात करो यहाँ पे इक्विटोरियल पूरी कन्वर्टिंग एंड डाउट दोनों एक दूसरे का पॉजिटिव चेक कर लीजिए, वो दोनों एंगल अलग अलग है. यस बोल, सुन रहा हूँ. मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ऑफ सराउंडिंग नंबर एंड डाउट ये ऐसे ही जबरदस्ती लिखा दिया. क्यों लिखूं? मैं टाइटस भी कर सकता हूं. जब वो देखोगे लिखोगे तो आपको रटना पड़ेगा, मैं रटना नहीं चाहता. SF2 Cl2 में ट्रायंगुलर पैटर्न लगेगा. अब मेरा क्वेश्चन है कि लॉन्ग पे कारण एक लॉन्ग पे मैं जहां पे स्पेस होगा वहां पे लॉन्ग पे. कैपिटल में या एक्सेल में?
तो मैं सल्फर अब मैं लॉग दे यहां पर इक्वेटोरियल पे ठीक है ये हमारे चार पॉइंट अब मुझे क्वेश्चन नेक्स्ट वे फ्लोइंग का कोई क्लोरीन आपको एंड क्यों तो फ्लोइड इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव तो फ्लोइड इलेक्ट्रॉन खींचने के जरा इजी कहां से खींच पाएगा अब जो रिप्लेस दूर होगा हाइड्रोजन बेटे ने जो रिप्लेस से पास होगा अब यहां पर स्पेस के ज्यादा बल्कि अब बल्कि को तो ये वाला क्या होगा उससे खींचना तो फ्लोइड यहां पर लगा देगा अच्छा लगता है तो फ्लोइड यहां पर लगा देगा यहां फ्लोइड लगा देगा बाकी बच्चा बच्चा जो लगाना लगा बात क्लियर है यदि आप इन सब चीजों को रटोगे तो फंस जाओगे मैं हर एक में फटाफट एंगल चेक करूंगा स्पेस चेक करूंगा जहां पे स्पेस ज्यादा बल्कि शॉर्टर बाजू वाले का थिनर लॉन्गर और मुझे पता है किसको कहां पर रखने का लॉन्ग पे कौन आएगा कहां पर आएगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पर आके अटैच होगा एग्जैक्टली ये लिखने का है मेरे को पसंद नहीं है अब क्योंकि यदि लिखते ही ना आप रटोगे रटना रटोगे तो लिख लो रटना मत रिपीट कर दो अच्छा नहीं लगता क्योंकि इनोग्री वैसे बदनाम है रटने के लिए अब तो वैसे बदने के लिए बदनाम करते हैं थोड़ा बहुत है 10% रटने के लोगों ने क्या मानकर 90% रटने क्यों रटो भाई दिखता नहीं है ज्यादा स्पेस कौन प्रोवाइड करेगा दिखता नहीं है भाई सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं नॉर्मली पर रटने का तुमको दिखता नहीं है इन थ्री डायमेंशंस वो बोलते हैं नॉर्मली रटने जो कनेक्ट नहीं कर पाते चीजों को वो बोलते रट लो हम तो आप जानते हैं भाई आप जानते ना भाई अब तो बड़े लोग भाई अब तो हाँ बड़े हो गए है ना बड़े हो गए तो हम सब जानते हैं भाई हम कनेक्ट कर सकते हैं खुद भी विश्वास है तो ठीक है वो विश्वास कायम करो आगे बढ़ना आगे बढ़े ओके नेक्स्ट नोट करना है कर लीजिए दूसरे एग्जाम्पल यहां पर देता हूं मुझे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर चाहिए सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के चक्कर में फंसना मत सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के चक्कर में मत फंसना मुझे यहां से सही चाहिए कौन कहां पर आएगा क्यों आएगा आप लोग स्ट्रक्चर कैसे भी बनाओ गंदा सा बनाओ चलेगा मुझे फाइनल आंसर सही चाहिए तो मैं थोड़ी हेल्प नहीं कर देता हूं डोंट ट्राई मोर बैक एवर ठीक है तो मैं हेल्प कर सकता हूं फ्लोरिंग लोकेशन कहां पर है यहाँ पर फ्लोइंग आएगा और बाकी मजबूरी में हाथ लगा दो बाकी मजबूरी में हाथ लगा दो यहाँ पे ऐसे तो बोल रहा हूँ फ्लोरीन है क्लोरीन फ्लोरीन लगाओ ऐसा बोल रहा हूँ कितने फ्लोरीन मेरे पास में अब इनको एक बच्चा कहाँ रुपये एक रुपये कहाँ पर कहीं पर भी सबको कहीं पर भी ठीक बाकी मजबूरी में यहाँ पर मजबूरी है बात क्लियर है सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल नहीं सिंपल है फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन खींचने का भाई कहां से कैसे का जो थिनर एंड लॉन्गर होगा उससे खींच लेगा और थिनर लॉन्गर कौन है जहां पे स्पेस कम है वो थिनर है और लॉन्गर कौन एनी डाउट ओके नेक्स्ट ये लिख लिया हमने कुछ एग्जांपल कर देते हैं एक्सियल टू का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली ड्रा करें प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली एग्जैक्ट पोजीशन ये मुझे हर एक चीज की सिंबल अभी चीजें बहुत सिंबल चलेंगी चीजें बाद में एक्टिवेट होंगी सो आंसर क्या आप लोग शेप क्या नजर आ रहा है मेरे को शेप नजर आ रहा है लीनियर आपको क्या लग रहा है लीनियर किसको डाउट है नहीं
नहीं ठीक है नेक्स्ट एग्जी अप्रूव स्ट्रक्चर कहाँ पर स्ट्रक्चर पर है प्लेनर तो इस कांसे जाते मैं समझ पा रहा हूँ इस कांसे की इधर समझ पा रहे हो ये आंसर है स्टार्ट है ना ओके एसएफ फोर गलत डी टू सल्फ्यूरिक पास आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल कर रहे हैं कुछ भी आराम से कीजिए तो कहां से कीजिए पढ़ाओ किसी को ओके सो नेक्स्ट वे आई ओ एफ थ्री एग्जैक्ट पोजिशन से मुझे हर एक चीज प्रॉपर ऑब्जर्वेशन प्रॉपर पोजिशन ऑफ लॉन्ग पेयर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सब कुछ हो गया ठीक हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 डबल लॉन्ग पेयर कार्बन अब फ्लोइंग कार्बन कितने फ्लोइंग पास में इतने सा कपल दो अपने डबल बॉन्ड पर यहां पर रुको लॉन्ग पेयर टू फ्लोइंग एक्सियल उसके बाद बचा बचा कपल रुको कितने का सही आंसर ठीक है अगर नेक्स्ट वेव आप लोग बोला ना कुछ जो भी कंपाउंड बोला ना एग्जी एग्जी एफ फाइव माइनस सीसो सीसो थोड़ा सा आंसर आया समझ पाए क्यों सुनो दो लाख क्यों रखूं ज़्यादा स्पेस से दो लाख मैंने यहाँ पर कहा बाकी मैंने यहाँ पर भी दो लाख रहते एक लाख रहा था मैं कहाँ रखा एक डॉलर वहां भी कहाँ रखा एक्सियल जो ज्यादा ज्यादा जहां पर स्पेस जिनका लंबे मार्ग होगा एक और क्वेश्चन सी एल एफ थ्री सी एल एफ थ्री बेंट टी शेप डिस्टॉर्टेड टी शेप ऐसा बोल रहे हो तब सही है बिकॉज दो लंबे में कोई फिटर में रखना ही पड़ेगा बाकी बचा कुछ यहाँ पर रखो क्या हम सही है तो आप एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ लॉन्ग पेयर मोर इलेक्ट्रॉन एंगल एलिमेंट्स इंटरेस्ट ऑफ आप रख सकते हैं आगे बढ़े कुछ लिखिए बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बॉन्ड लेंथ ऑर्डर दिमाग में क्या चल रहा है दिमाग में क्या चल रहा है पांच से छह पॉइंट जो मैं आपको पढ़ाए थे वो शुरू हो जाना चाहिए कॉमन सेंस शेल नंबर ग्रुप नंबर बॉन्ड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन बैंड सब आपके दिमाग में शुरू होती है प्रायोरिटी ऑर्डर में बैंड ट्रूथ या बैंड वाला जो कॉन्सेप्ट है सबसे लिस्ट प्रेफरेंस है बैंड को देंगे आप क्या बोला अभी मैं बैंड टू पढ़ा रहा हूँ तब क्या लगता है बैंड टू मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा प्रेफरेंस बैंड को दो अरे इस पे लिस्ट प्रेफरेंस नंबर सिक्स पे था वो या नंबर फिफ्थ पे था सबसे लिस्ट ना सबसे पहले नंबर देख लो बाकी अदर फैक्टर्स आप पहले देख लेना देख लोगे ओके बॉन्ड लेंथ बिटवीन फॉस्फोरस एंड क्लो एंड क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन
terms of equity in D-sulfide, bond length between phosphorus and chlorine is here in D-sulfide. Silver. क्यों कम स्पेस है यहाँ पर ज्यादा स्पेस है यहाँ पे स्पेस कम है स्पेस कम है तो थिनर थिनर तो लॉन्गर कौन कौन फास्फोरस के हैबिटेबिलिटी की लेंथ ज्यादा है यहाँ फास्फोरस का हैबिटेबिलिटी लेंथ कम है तो इसकी फास्फोरस का हैबिटेबिलिटी लेंथ बड़ी क्लोरीन से में कॉमन है और बॉन्ड लेंथ बढ़ गई इज दैट क्लियर नेक्स्ट टॉपिक सिर्फ आपके लिए अगर एंगल 72 है यहां पे स्पेस कम है तो ये थिनर एंड लॉन्गर होगा समझ सके कि अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूं उससे पहले एक स्ट्रक्चर पुट अप करना चाहता हूं आपसे छोटा सा आप लोग बताएंगे आप पहले बता चुके वापस बताइए PH3C2 स्ट्रक्चर बताइए कैसे बनेगा मैं बता रहा हूं ट्राइमर बैक मेटल बनेगा फ्लोरीन का क्लोरीन एक इक्वेटर पे मजबूरी में क्लोरीन यहाँ पर बाकी बचा होता है यहाँ पर ये बोल रहे आप ठीक है आपने सिर्फ नाम भी असाइन किया था पहले एक्सेल उसको क्या नाम असाइन किया उसको क्या असाइन किया इक्वेटर ये क्वेश्चन शुरू था अब शुरू करें शुरू करता हूँ नंबर बॉन्ड लेंथ बिटवीन फास्फोरस एंड क्लोरीन कौन सा आप लिखो बाद में इस पर चर्चा करेंगे आराम से कीजिएगा सब लोग सोचिए समझिए आराम से हैंडल कीजिए आंसर मिल जाएगा आराम से किसी कुछ जल्दी बजे आज का हमारा स्टार्टिंग आंसर था हाउ टू हैंडल क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉइंट लेंथ वो शुरू होता वहां से शुरू होता चाहिए आराम से कीजिए बिकॉज एग्जाम्पल में ये नहीं आएगा कि किसके फिल्म आंसर दो आप सोचो आप सोचिए मैं क्या बताऊं हाँ अच्छा अच्छा हाँ समझ आया थर्ड पे डाउट एड्रेस करें फोर्थ पे डाउट वो एड्रेस करें फोर्थ पे डाउट फिफ्थ में आप बोलो कि एक्सेल की लेंथ कम और इक्विटर की लेंथ ज्यादा वो हमको एड्रेस करें इसको डाउट इसके अंदर कि एक्सेल की लेंथ कम और इक्विटर की लेंथ ज्यादा है आपको डाउट है सेल नंबर पीएम एनटीसीएल
अरे ये तो शैलम्बर ही अलग हो गया, और जब शैलम्बर अलग होता है तो सबसे टॉप पे आता है, बाकी सब क्या तेले में। सुना मैं क्या बोलू, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पहले इनको तो देख लो, पीसीएम पीएफ दोनों अलग अलग हो गए, तो बाकी यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या, कुछ भी नहीं देख रहे। यहाँ पर तो इक्विटी इक्विटो में दिखा ही नहीं भाई, यहाँ पे एक्सेल इक्विटो दिखा ही नहीं। तो इससे मैं क्या सीखने को मिला, नहीं इससे मैं सीखने को मिला कि हमेशा एक्सेल की लेंथ ज्यादा नहीं होती है, इक्विटो वाले की भी लेंथ ज्यादा हो जाती है यदि सर्वर चेंज हो गया तो। हमेशा हमेशा एक्सेल की लेंथ ज्यादा नहीं होती है, कभी कभी इक्विटो भी सेम है। कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको इंफॉर्मेशन देगा कि हुआ क्या, स्ट्रक्चर बिना कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज स्पेस मुझे वहां से विजिबल होगा, बल्कि चीजें विजिबल होंगी, बाकी कहां से कुछ भी विजिबल नहीं होगा, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। एनी डाउट, अगर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सो बैंड रूल नहीं खत्म होगा ऐसा आपको लगता है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सिर्फ आपसे, सिर्फ आपसे, एमएसई सीमा मोड कितना लॉन्ग कितने सर, आपने व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन, sp3, sp3 आपने बोला, मैंने माना sp3, सुन लेगा, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो नाइट्रोजन तो हाइब्रिडेशन स्पीशीज पर और फोर हाइब्रिडोमीटर्स आएंगे, हाँ भाई, जहां पे सब में पॉजिटिव एस ग्रेटर पॉजिटिव स्पी ग्रेटर लेंथ स्ट्रेंथ सब कुछ सेम होगा। अरे हाँ होगा, काहे नहीं होगा, जब हाइब्रिडेशन होता है तो ये तो सही में होना था ना भाई, प्रॉब्लम तो किसमें हुई थी, ट्रायगोनल पैटर्न और पेटरल पैटर्न में प्रॉब्लम होने वाली थी, इसमें प्रॉब्लम क्यों होगी, तो इसका एस ग्रेटर पी ग्रेटर क्या है, सेम है सब में, जब बना तब सेम था, आया ना, सब जगह स्पेस सेम है, कोई क्लोजर टू न्यूक्लियस या फार फ्रॉम न्यूक्लियस नहीं है, कोई भी हाइब्रिडोमेटर्स है क्या, नहीं है तो लॉन पे कहां रखूं, अरे कहीं पे नहीं रख सकता, लॉन पे तो वहां पे जहां पे स्पेस ज्यादा हो, लॉन पे तो वहां पे जो ऐसा होगा हाइब्रिडोमेटर जो न्यूक्लियस की क्लोजर हो, कौन न्यूक्लियस से क्लोजर है, कोई नहीं है तो लॉन पे नहीं आना चाहिए। अरे मोर लेफ्ट ऑफ नेगेटिव एलिमेंट प्रेफर टू स्टे इन द हाइब्रिडोमेटर सेंटर व्हिच इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, क्लोजर टू न्यूक्लियस कौन है, नहीं है तो अमोनिया बनना ही नहीं चाहिए। According to Bantu, Bantu बोलता है, मोर लॉ पे कहाँ रखूँ? ऐसा हैबिटोमेटल में, which is closer to nucleus, कौन है यहाँ पे? जिसका स्पेस अभाव, कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है, तो अमोनिया बनना नहीं चाहिए। क्या अमोनिया बनता है? तो या तो प्रॉब्लम अमोनिया में कि बनता नहीं है, या कोई Bantu में प्रॉब्लम है। हाँ, Bantu में प्रॉब्लम है, अमोनिया तो बनता है सर। Bantu चेंज बताओ, टाइम आउट से Bantu को चेंज करने को। बैंडल को मल्टीप्लाई करने का, सो थोड़ा सा ऑल्टर करने को, समझ का थोड़ा सा, समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे कहानी भी खत्म नहीं हुई जी, अभी इसको करेक्ट किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते जी, सिर्फ आपके लिए, CH3, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, sp3, sp3 यहां पे सब जगह स्पेक्ट्रम पिकेटर सेम होना चाहिए, तो क्लोरीन का रखूं, फ्लोइड वहां पे का जो कि हाइब्रिडोमेटर जो इससे वो दूर होगा, हाइब्रिडोमेटर की लेंथ ज्यादा होगी, खींचना आसान होगा, अब सब जगह सेम है तो फ्लोइड कहां रखूं भाई, अरे कहां रखूं क्लोरीन, कहीं भी नहीं रख सकता, बैंटू मना करता है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट अटैच टू द हाइब्रिडोमेटर सेंटर व्हिच इज फार फ्रॉम न्यूक्लियस, फार फ्रॉम न्यूक्लियस कौन है, कोई नहीं, तो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव कहां रखूं भाई, मतलब या तो ये बनता नहीं है या बैंटू में प्रॉब्लम है, बैंटू में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ा, थोड़ा सा ये भाई क्या कहता भाई, बोले बोले क्या कहता, ये बोलता है
लॉन बेयर, कौन लॉन बेयर वहां पर आएगा जहां पे स्पेस और ज्यादा नहीं है तो कर देगा। मोर लेटर रेट कहां आएगा? क्या बोले? नहीं है तो कर देगा। देखो नहीं है तो कर देगा, इतना लिखो हिंदी में, नहीं है तो कर देगा। अब मैं आपको लिखाऊंगा प्रॉपर लैंग्वेज दिखाऊंगा, कोई पाकिस्तान की लैंग्वेज दिखाऊंगा और आपको बात सुनाएगा सर ने जो लिखा है उत्तर, नहीं है तो कर देगा। सबको समझ आया? अरे जो नहीं है वो कर देगा, स्पेस ज्यादा नहीं है तो स्पेस ज्यादा कर देगा। बल्कि ने सोच किया मेरे को लॉन्गर चाहिए, थीनर लॉन्गर चाहिए, नहीं है तो कर देगा, जो चाहिए वो सब कर देगा। अब सुनो ढंग से क्या बोलो, बोलो थोड़ा कम, कम करो बोलो, कम करो ना, सो अरे मैं तो हमेशा ऐसे रहता है ऑलवेज, ऐसा ऐसा ये करता है बस, ये आप डर रहे हैं आगे बढ़ना, इम्पोर्टेबल सिंपल सा भी और बड़े सब शांत रहो। मैं बोल रही हूँ कि लॉन पे है ना, वहां पे अगर लॉन पे स्पेस जाता हो और जाता नहीं तो अब है ना मैं लॉन पे कहाँ कहाँ देखने को यहाँ डीसी का क्या यहाँ डीसी का मैं लॉन पे यहाँ रखने जाऊँ तो यहाँ पे स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एंड बल्कि हो जाएगा तो शॉर्टर हो जाएगा। तो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की कहानी क्या कर रही है, इसका इंपैक्ट कहां देखने मिलेगा, पांच वाले यदि ये बल्कि वो शॉर्टर हो गया तो पांच वाले लॉन्गर एंड थिन हो गए, पांच वाले लॉन्गर एंड थिन हो जाएंगे, पांच वाले लॉन्गर एंड थिन हो जाएंगे, पांच वाले लॉन्गर एंड थिन हो जाएंगे। अब कहानी चेंज हो जाएगी, तब यहां पर देख पा रहे जो कहानी यहां पर शुरू हुई थी वो कहानी चेंज हो गई। अब मेरे को एसेंशियल बोलूं, मेरे को एसेंशियल एकदम पसंद नहीं है टॉक ऑफ द सिटी को, क्यों करूं मेरे स्पीक जो हो स्पीक देख लेना समझ आ गया ना, कब तो क्या होगा फ्लोइंग में, यहां पर लाना चाहता हूं तो फ्लोइंग क्या करेगा, लेंथ इंक्रीज करेगा, नहीं तो कर देगा, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, लॉन्गर और थिनर हो जाएगा यहां का फ्लोइंग, और बाजू में उसपे इंपैक्ट पड़ेगा, वो क्या पड़ेगा कि वो बल्कि शॉर्ट हो जाएगी, बल्कि शॉर्ट हो जाएगी, बल्कि शॉर्ट हो जाएगी, इस वजह से बॉन्ड एंगल्स चेंज हो जाएंगे, बॉन्ड एंगल्स चेंज हो जाएंगे, इनकी पीस का पार्टिकल होगी, इसका पार्टिकल कौन सा है, ग्रीन ग्रीन या ग्रीन येलो, ग्रीन ग्रीन पार्टिकल ज्यादा होगा तो बल्कि बल्कि किसको रिपेल ज्यादा करते रहे तो पार्टिकल स्पीड चेंज होगा, पार्टिकल चेंज हो ही नहीं है, बॉन्ड एंगल भी चेंज हो रहा है, किसका एक क्वेश्चन, किसका लॉन्ग टर्म है, कब लॉन्ग टर्म है, कब लॉन्ग टर्म, हां यहां पे जो बात कर रहे हो इसी हो, अब यहां पे पार्टिकल ज्यादा किसके, मतलब एंगल ज्यादा किसके, थीटा 1 या थीटा 2, अब थीटा 1 ज्यादा है ऐसा मतलब थीटा 2, और कांसेप्ट से वही है तो एंगल्स चेंज हो रहे हैं। अब ये परफेक्ट एट्रोजन की कैटेगरी में नहीं है, ऑल पार्टिकल्स आर नॉट एट 192 मिनट्स, कहानी चेंज हो गई है, फिर स्टोरी का लगी ये कहानी चेंज हो गई है, अब ये एंगल और ये एंगल अलग अलग हो चुके हैं, ये वाला एंगल ज्यादा है ऐसे बट ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कम है, दैट क्लियर, अगेन ये परफेक्ट एट्रोजन की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट तो ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है, अब सुनो पहले एक स्टेटमेंट मैं बोलता हूँ, अच्छा लगे तो बोलना कि लिखा दो सर, मोर लैक ऑफ नेगेटिव एलिमेंट नॉट ओनली प्रिफर्ड टू स्टे इन द हैबिट ऑफ डॉग सेंट्रल ऑफ व्हिच इज पावरफुल रिफ्लेक्स और व्हिच हैज लेस परसेंटेज एस्पिरेटर बट इट कैन आल्सो इंक्रीजेस, इट कैन आल्सो डिक्रीजेस परसेंटेज एस्पिरेटर टू एडजस्ट हैबिट ऑफ डॉग सेंट्रल एंड लॉन्ग पेयर प्रिफर टू स्टे इन द हैबिट एंड लॉन्ग पेयर नॉट ओनली प्रिफर टू स्टे इन द हैबिट ऑफ डॉग सेंट्रल व्हिच इज क्लोजर टू रिफ्लेक्स और व्हिच हैज मोर परसेंटेज एस्पिरेटर बट इट कैन आल्सो इंक्रीजेस परसेंटेज एस्पिरेटर टू एडजस्ट हैबिट ऑफ डॉग सेंट्रल एंड आउट।
कहना क्या चाहते हो? सुनेंगे तो कर देगा। ये कहना चाह रहा था, वो कुछ नहीं कहना चाह रहा था। मानती नहीं मेरी बात, मान गया ना? अब बताओ मैं लिखा नहीं लिखा? चल लिख ले, आते से भी लिखा। मोर लेटर लिखते को लिखा दो, लव लिखो, एड्रेस उठा। हाँ, बाकी मत देखो, सोनी लिखना मत देखो, देखो। मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट not only more electronegative element not only prefer to stay in the habit orbital of centroidal more electronegative element not only prefer to attest with the habit orbital of centroidal more electronegative element not only prefer to attest with the habit orbital of centroidal which has less percentage aspect more electronegative element not only prefer to attest with the habit orbital of centroidal which has less percentage aspect but it can also decreases percentage aspect to attest habit orbital of centroidal but it can also decreases percentage aspect to attest habit orbital of centroidal is that clear and learn the clear following example mai ko lena chahta example is cf4 aapse question pada padega cf4 so cf4 ka funda hai theek hai tense sunna ab fluorine aayega to kya karega कुछ नहीं कर पाएगा अब फ्लोरीन आएगा तो क्या करेगा कुछ नहीं कर पाएगा और मैं किसी की लेंथ इंक्रीज करूंगा तो बाकी की लेंथ कम करनी पड़ेगी ना तो बाकी फ्लोरीन में वो क्यों मानेंगे ये इक्विवेलेंट हैबिट से कैटेगरी मार चुका है दैट्स व्हाई ये नहीं मानेंगे सो जो व्हाट इज द पावर ऑफ इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट हैबिटेशन अब समझ में आया इसके पावर क्या है लोगों को पावर पता नहीं व्हाट इज इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट बस सर पढ़ा के तीन पॉइंट अच्छा लगा अरे हाउ टू अप्लाई How to use? Are they clear? Yes, sir. चलो कुछ लिखते कुछ लिखिए बॉन्ड लेंथ ऑर्डर दो क्वेश्चन करते हैं बिकॉज ये मैंने क्वेश्चन यहां पे शुरू किया था एक क्वेश्चन था जहां से मैं बेड रूल शुरू किया था यहां से बेड रूल शुरू किया था फिर मैं यहां से शुरू करूं क्वेश्चन लिखिए पहला बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ये क्वेश्चन वापिस लिखता हूं अभी सब समझते उस समय सर आपने ऐसे ही बता दिया हम समझ नहीं पाए कि सब क्या है अब समझ लो बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन इन C2H6 बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन इन C2H6 तो पॉइंट पर सिंपल से दोनों का स्ट्रक्चर में बताएगा हुआ क्या ओके, सो यहाँ पे कौन है हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे कौन है फ्लोरीन 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 तो आप हैंडल कैसे करोगे शुरू सबसे पहले चेक करोगे सेल नंबर ग्रुप नंबर बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड पे हाइब्रिडेशन अब आएगा पेंटूल पेंटूल तो क्या चेक करोगे पेंटूल में मॉल लेटर राइटर क्या करेगा एक क्या चाहता है ये एस्पिरेटर मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता एस्पिरेटर क्या होता है रिपीट करो आप भी नहीं जानते एस्पिरेटर क्या होता है हम एस्पिरेटर नहीं खेलते हम कहते हैं कि ये चाहता है क्या फ्लोरीन फ्लोरीन चाहता है इलेक्ट्रॉन खींचना और कब खींचेगा जब लेंथ इंक्रीज कर देगा तो तीनों लेंथ इंक्रीज करता है कांटेक्ट कहां देखने को मिलेगा ये कम हो जाएगा ये कम हो जाएगा ये कम हो जाएगा मैं कहना चाह रहा हूं किसको लगता है
ये इक्विवेलेंट है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। बस हर एक कार्बन के पास में चार एटम सेम नहीं है, एक कार्बन के पास में चार एटम सेम नहीं है, तीन ब्रेन में कार्बन है अलग रहेंगे। अगर नेक्स्ट नंबर टू स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली आंसर मिल जाएगा। आज मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा बिकॉज टाइम अब हो गया है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन करूंगा ज्यादा नहीं। नहीं मेरे पास तो टाइम, आपके पास टाइम है क्या? अंदाज़ से गेम फर्स्ट सेकंड कैसे बोलो? फर्स्ट नीचे वाले में स्ट्रक्चर बनाएंगे, सोचिए कौन क्या कर रहे हैं, उसका इफेक्ट बाजू वाले पे देखिए क्या हुआ, किसमें डाउट? यहाँ पे क्या करेगा, फ्लोइड खींचेगा, इफेक्ट बाजू वाले में दिखेगा, वो कम हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कोई डाउट? एक बार आपको बताना चाहता हूँ, नंबर फोर एक क्वेश्चन, उसके बाद हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। बॉन्डिंग बिटवीन सल्फेट ऑक्सीजन इन सो टू, बॉन्डिंग बिटवीन सल्फेट ऑक्सीजन इन सो थ्री। सुनो ढंग से, नेक्स्ट क्लास में बेंट रूल खत्म कर दूंगा, फिर ड्रैगन रूल खत्म कर दूंगा मैं। यस आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। फर्स्ट सेकंड अब सारे पॉइंट चेक कर लीजिए। पहला पॉइंट शेल नंबर नाइन, ग्रुप नंबर सेम, फिर बॉन्ड सेम, हाइब्रिडेशन सेम, पेयर टू सिल्वर पे क्या चेक करोगे? लॉन्ग पे, लॉन्ग पे क्या होगा? शॉर्ट एंड बल्कियर, बाजू क्या होगा? लॉन्गर। व्हाट इज द पावर ऑफ बेंड रूल? इज दैट क्लियर? सच बोले तो बेंड रूल कभी कोई भी आपके सिलेबस में ही नहीं, बेंड रूल सिलेबस में ही नहीं, पर इसके एप्लीकेशन सर, जब उसने बेंड रूल में स्टेटमेंट लिखा है, नहीं लिखा था ना, बिना बेंड रूल स्टेटमेंट लिखा है, सबको तो आंसर दे सकते थे, सबको आंसर दे सकते थे, ओनली कॉन्सेप्चुअली। तो हमें मेन आंसर में क्या सीखा? कॉन्सेप्ट सीखा, कौन क्या चाहता है वो काम करते, उसका इम्पैक्ट बाजू पे दिखा दो, अपन से मिल जाएगा। बेंड रूल पे कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं जो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, चलेगा? समझते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपका होमवर्क कुछ